सो हे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए रेसिपी में और नए व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो आज ना बारिश बहुत हो रही थी और पूरा दिन ना घर में पैक ही रहना था, इतनी बारिश हुई थी हमारे यहाँ। और ये अभी अलर्ट भी है, रेड अलर्ट जारी हुआ है बारिश का। तो आज ना दोपहर के लंच में मैंने चावल बनाए थे और एकदम ही इम्यूनिटी से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर, न्यूट्रिशन से भरपूर ऐसी आज मैंने दाल बनाई थी, जो हमें खाने में हेवी भी ना लगे, पच भी जाए। और ये रेसिपी ना आप उसी टाइम बना सकते हो जब आपका हल्का फुल्का खाने का मन हो, ज़्यादा हेवी नहीं खाना है। तो न्यूट्रिशन से भरपूर ये दाल आप चौक्स बना सकते हैं और खा सकते हैं, आपका पेट भी हल्का फुल्का रहेगा और न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। मैं ना क्या करती हूँ, जब हल्का फुल्का खाने का मन करता है ना, तो इसी तरह से ये न्यूट्रिशन वाली दाल बना लेती हूँ, साथ में दही ले लेती हूँ और राइस बना देती हूँ। ये हो गया हमारा लंच, हल्का फुल्का, जो भारी ना हो, हेवी ना हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तुवेर दाल ले ली है आधा कटोरी जितना, और दो तीन चम्मच मैंने मूंग की दाल ली है, वो छिलके वाली आती है, फोतरे वाली वो। फिर यहाँ जो मिक्स पंचरत्न दाल आती है वो मैंने दो चम्मच लिए, और साथ में चना दाल लिए दो चम्मच, और थोड़े से मूंगफली के दाने ले लिए है। तो ये ना तीन जन की क्वांटिटी की दाल बनेगी, तीन लोगों की ये कटोरी इनफ है एक, क्योंकि ये दाल ना हमें गाढ़ी रखनी होती है थोड़ी सी, तो क्वांटिटी हमें दाल की ज़्यादा लेनी है, वरना दो लोगों के लिए इतनी दाल ज़्यादा हो जाएगी। आधा कप नॉर्मली हम बनाते हैं, लेकिन ये इस दाल को हमें सिर्फ चावल के साथ दाल ही खानी है, रोटी सब्जी नहीं है, तो गाढ़ी बनाएंगे। तो ये क्वांटिटी इनफ है, हमारे दो जन या ढाई जन या तीन जन, एक बच्चा हो तो चल जाएगा। तो इसमें हल्दी और नमक और पानी, दाल डूब जाए उतना डाल के हमें ना दो तीन सीटी लगा लेनी है। ध्यान रखें कि दाल ज़्यादा पके ना, उसको ना दाना थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, आधा रहना चाहिए, पूरा पक नहीं जाना चाहिए, गल नहीं जाना चाहिए। उतनी सीटी लगा के हमें दाल को उतनी क्वांटिटी में पकानी है, दाल हमारी एकदम दो तीन सीटी में पक जाएगी आसानी से। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तड़का लगाएंगे, राई, हींग, हल्दी, करी पत्ता या लाल मिर्ची, आप जो चाहे उस मसाले से। आप सबके घर में अलग अलग तड़के लगाए जाते होते हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ा एक टमाटर और एक प्याज भी ले लिया था। तो ज़्यादातर ना दाल फ्राई में ये तड़का लगाते हैं, लेकिन पंचरत्न दाल में भी ये तड़का बहुत अच्छा लगता है। सो इसी तरह से तड़का लगाएंगे। और मेरी दाल, हम गुजरातियों का क्या है, गुजराती लोगों के घर में दाल जो है वो खट्टी मीठी ही बनती है। सो टमाटर है तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाला है, आप स्किप कर सकते हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं, या नॉर्मली वैसे मीठी दाल भी नहीं बनानी है तो गुड़ अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अच्छी सी न्यूट्रिशन वाली दाल, जो आप हल्के फुल्के पेट में जब हल्का फुल्का खाना हो तो बनाकर खा सकते हो। तो ये ऐसी दाल आप ज़रूर बनाए, आपका मन भी भर जाएगा, पेट भी भर जाएगा और पच भी जाएगी आसानी से। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। फिर क्या हुआ, डिनर होते होते ना भूख लग गई थी, क्योंकि दाल भात खाया था लंच में, तो डिनर में आज बारिश थी ना, तो मैंने सोचा चलो आज पकोड़े बनाएंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो बारिश इतनी हो रही थी ना, देखो ये दिन का मैंने थोड़ा सा शूट किया था बारिश का, अलर्ट इसीलिए ही जारी किया था, सब जगह पानी भर चुका था, स्कूल भी बंद थी, छुट्टियां थी, ट्यूशन में छुट्टी थी, क्योंकि पानी था। तो जियान यहाँ घर में खेल रहा था, तो बोला मम्मी कुछ नया बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बारिश है और घर में सारा सामान भी पड़ा है, तो क्यों ना हम
पकोड़े बनाते, तो मैं ना बाज़ार से एक गोटा, जो गोटा आता है ना हमारा गुजराती जो डाकोर का, उसका रेडीमेड पैकेट लाई थी। तो मैंने सोचा इस पैकेट का नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ मेरी तरफ से मैं कुछ मेरा अपना थोड़ा सा वो सुझाव डालूंगी कि कैसे बनाए। तो नए तरीके से मैंने बनाया था। तो गोटा का एक पैकेट तो हमें लेना ही लेना है, उसमें हम क्या करेंगे, सारा मसाला प्रिपेयर्ड ही रहता है, कुछ डालना नहीं होता है, लेकिन हम थोड़े यूनिक तरीके से बना रहे हैं। तो हमने थोड़े से मेथी कट की हुई, मेरे फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मेथी ली बहुत सारी, तो बच्चे को भी अच्छा रहेगा। बच्चा वैसे मेथी नहीं खाता है, लेकिन इस तरीके से उसको खिला देना चाहिए, गोटे है, थेपले है, या फिर ऐसी कोई सब्जी बनाओ जिसमें मेथी डले, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बड़ों के लिए तो अच्छा है ही, बच्चे आसानी से नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें, तो उसको इस तरीके से खिलाए ताकि उसको पता भी ना चले और उसको स्वादिष्ट भी लगे। तो मैंने क्या किया, मेथी डाली थोड़ी सी, हरा धनिया बहुत सारा था तो वो भी काट के डाला, फिर ये गोटा का पूरा पैकेट डाल दिया, ये 200 ग्राम जितना आता है, तो ये पैकेट को भी अच्छे से तोड़ के मैंने ले लिया। इस पैकेट में सारे मसाले वैसे ड्राई अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग नमक और चीनी और नींबू का रस, ये तीन चीज़ें डाल सकते हैं। और जो ये पैकेट में जो पीछे रेसिपी लिखी होती है उसको भी ज़रूर फॉलो करें, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं। तो एक केला भी डालूंगी मैं, तो केले से अच्छा टेस्ट आएगा जो गोटे का, एकदम यूनिक बनेगा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बना था और इतना अच्छा बना था कि सुबह भी खाए थे। सुबह में मैंने फ्रिज में डब्बा भर के रखा था, तो सुबह तो इतने अच्छे से सेट हो गए थे ना कि स्वाद दो गुना बढ़ गया था सुबह। फिर क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेसन भी ऐड करेंगे ताकि जो गोटे का लोट आता है ना वो कुरकुरा आता है। तो क्या है ना, बेसन डालने से ना गोटे का जो हम डो लगाएंगे ना, आटा घोल तैयार करेंगे, वो सेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और बैलेंस रहेगा, उसमें ज़्यादा कुरकुरा भी नहीं लगेगा, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बेसन डालने का ये फ़ायदा है कि तुम रेडीमेड गोटे का लोट लाते हो ना, तो उसमें बेसन का आटा ज़रूर ऐड करो। तो इस तरीके से हाथों से हम मैश कर लेंगे और मीडियम थोड़ा सा सॉफ्ट, एकदम नहीं बनाना है, घोल को हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, जिस तरीके से हम गोटा गोल गोल पकड़ सके और तेल में डाल सके। तो आप वीडियो में देख सकते हो कंसिस्टेंसी, गोटा भजिया पकोड़ा ये सब लोग बहुत बनाते होंगे, सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, लेकिन एक बार ना आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना कि मत पूछो बात, आप बार बार यही बनाओगे। फिर साथ में खाने के लिए आप हरी चटनी भी बना सकते हो, दही भी खा सकते हो। मैंने यहाँ क्या किया है, खजूर इमली की चटनी बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे खजूर इमली की चटनी। तो खजूर को अच्छे से धो लेंगे, इमली और खजूर को, फिर उसको उबालेंगे, उसके सारे ठड़िए जो है निकाल लेंगे खजूर के बीजों को, फिर उसमें गुड़ ऐड करेंगे, तीखी वाली दो मिर्ची ऐड करके उसको उबाल लेंगे। बस 5 से 7 मिनट तक हम इसको उबालेंगे ना, तो हमारा चटनी का मिक्सचर रेडी हो जाएगा, ज़्यादा उबालना नहीं है। फिर ढक के रख देंगे साइड पर, तो 5 से 7 मिनट के बाद देखो ये गरम करके मैंने जो रखा था ना, तो एकदम से फूल चुका है खजूर और इमली और मिर्ची सब कुछ। तो इसे क्या करेंगे हम, ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से, और ताकि सारे वो मिक्सचर जार में भी आप क्रश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ब्लेंडर भी कर सकते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार, कोई भी चला सकते हो, जूसर या तो फिर ब्लेंडर। तो ये गोटे का घोल देखो हमारा कितना सेट हो गया है, परफेक्ट हो गया है, एकदम बेसन और गोटे का लोट जो था वो फूल चुका है अपने आप ही। तो 5 से 7 मिनट का ही रेस्ट दिया था मैंने। तो चटनी भी हमारी हम पीस लेंगे ब्लेंड करके अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है गाइस। तो ये वाली चटनी आप ज़रूर बनाना, ये बहुत अच्छी लगती है, ये सभी चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हैं इस चटनी को। तो ज़्यादातर ना हम खजूर इमली की चटनी ही हमें यूज़ करनी चाहिए, सॉस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सॉस उतना भी हेल्दी नहीं होता है। बच्चों को ये चटनी आप खिलाएगा ना, तो उसके पेट में खजूर भी जाएगा, खजूर की गुडनेस जाएगी, ख़राब ही होगा, मतलब पेट कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, सॉस से क्या है पेट ख़राब ही होगा। फिर हम मीडियम आंच पर सारे गोटे को एक जैसे तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
दोस्तों मेरे गोटे सारे यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और स्वाद में भी एकदम टिप टॉप बने थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय माता जी।